नशे में धुत पुलिसकर्मी ने तीन गाड़ियों को ठोका। अंबाला में 12वीं की छात्रा समेत 4 घायल। लोगों के हंगामे के बाद FIR। हरियाणा के अंबाला में नशे में धुत पुलिस मुलाजिम ने एक एक्टिवा गाड़ी और बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 12वीं की छात्रा समेत 4 लोगों को चोट आई है। हादसा सिटी स्थित पुलिस लाइन के पास हुआ। हादसे के बाद पुलिस कर्मचारी को नशे में धुत देख राहगीर भड़क गए और खूब हंगामा किया। यही नहीं, पुलिस कर्मचारी की वीडियो बना सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। आरोपी पुलिस कर्मचारी अंबाला कैंटी DSP का गनमैन बताया जा रहा है। बहरहाल बलदेव नगर थाना पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर आरोपी पुलिस कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रेलवे रोड अंबाला सिटी निवासी पलक ने बताया कि वह 12वीं में पढ़ती है। मंगलवार शाम को वह उसके पड़ोसी जितेंद्र कुमार के साथ पुलिस लाइन चौकी पर निजी काम से आई थी। वे शाम को लांबा जनरल स्टोर के पास खड़े थे। इतने में एक कार चालक पुलिस लाइन की तरफ से अपनी कार को तेज रफ्तार में गफलत लापरवाही से चलाता हुआ आया और सीधी उनकी एक्टिवा को टक्कर मार दी। हादसे में उसे व जितेंद्र को चोटें आई हैं। सूचना मिलने के बाद घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी कार चालक पुलिस कर्मी को पकड़ सिविल अस्पताल में मेडिकल कराया, जिसमें डॉक्टर ने शराब का सेवन किया हुआ बताया। आरोपी के खिलाफ धारा 279, 337 व 427 के तहत केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गयी है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।